हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जोहार। द सरकारी फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड पुलिस जेसएससी कांस्टेबल का फॉर्म आवेदन करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस भर्ती के लिए आप अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके सीधा आप इस पोस्ट पे चले आएंगे। इस पोस्ट में आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारे जानकारी दी हुई है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथि है, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट क्या है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 21 फरवरी 2024 को ये लास्ट डेट कर रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ फीस, यानी कि एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, एज लिमिट से रिलेटेड सारे यहाँ पे डिटेल्स दी हुए पोस्ट के बारे में। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके इस पोस्ट पे आकर पूरा डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं ऑनलाइन आवेदन की तरफ, जो कि हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। जब आप इस पोस्ट पर चले आएंगे तो सीधा आपको नीचे चले आना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करके एक लिंक है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने का दो ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहीं से हम लोग झारखंड पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जिससे कि आपको फॉर्म भरने बहुत आसानी हो सके। तो पहला, हम लोग इस फॉर्म में क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फी हम लोग पे करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे और प्रिंट आउट अपना एप्लीकेशन फॉर्म का ले लेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हम लोग को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर। फोटो का जो साइज होगा वो 50 KB के अंदर होगा और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 20 KB के अंदर होगा। तो फोटो और सिग्नेचर का मतलब जो भी साइज वगैरह है वो आप पहले बना लेंगे, मैं यहाँ पे पहले बना चुका हूँ। आप भी अपना फोटो और साइन स्कैन करके 50 KB के अंदर और सिग्नेचर 20 KB के अंदर बना लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधा रजिस्ट्रेशन की ओर चलते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हमको दिया जा रहा है, तो हम लोग सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला स्टेप जो होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ये पूरा फॉर्म को यहाँ पे भरना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे फॉर्म को किस तरह भरेंगे। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, उसके बाद है लास्ट नेम और यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम। अपने जो मतलब एप्लीकेशन, यानी कि आप जो अपना नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो 10th में आपका स्पेलिंग होगा आप उसी स्पेलिंग को यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फुल नेम लिखना है, उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है। फादर नेम भी आपको उसी तरह डालना जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम पूछ रहा है, तो मदर नेम हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से यहाँ पे आप कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। ईमेल आईडी ध्यान रहे कि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर से यहाँ पे आपको कंफर्म करना है आपका ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पे इंडियन डालना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके
आइडेंटिफिकेशन पहचान का चिन्ह चाहिए जो कि दिखना होना चाहिए, यानी कि विजिबल हो। तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद एक और पूछ रहा है, तो आप इसको दे भी सकते हैं या भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर टू, तो आप यहाँ पे अपने अनुसार डाल सकते हैं। ज़्यादातर तो लोग यहाँ पर हिंदी और खोटा रखते हैं, तो मैं यहाँ पर खोटा रख रहा हूँ, आप अपने अनुसार रख सकते हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, अब जो भी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना स्पाउस नेम लिखेंगे, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप अपनी पत्नी के नाम लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने यहाँ हस्बैंड के नाम लिखेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अनमैरिड कर रहा हूँ। उसके बाद वैकेंसी टाइप, बहुत सारे लोग इसी में फंस जा रहे हैं। अगर आप रेगुलर करते हैं तो रेगुलर में जो पोस्ट है वही आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। रेगुलर में आप देख सकते हैं, ये जो रेगुलर है ना, यही वैकेंसी आपको सीट्स है, यही सीट्स आपको सिर्फ वहाँ पे चूज़ करने के लिए मिलेगा। और बैकलॉग अगर चूज़ करते हैं आप, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बैकलॉग का भी ऑप्शन है, तो आपको ये वाला सीट सिर्फ मिलेगा। लेकिन अगर आप बोथ सेलेक्ट करते हैं तो आपको दोनों चूज़ करने के लिए ऑप्शन आगे मिलेगा, रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी में आप अपना सीट को निर्धारित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोथ कर ले रहा हूँ, आप अपने अनुसार जो भी करना चाहते कर सकते हैं, बट अगर हमारी माने तो आप बोथ ही करें। उसके बाद पूछ रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, यस मैं झारखंड से हूँ। अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एस कर रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट लोकल, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोडरमा कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा, तो कैटेगरी मैं यहाँ एस सी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अनुसार जो भी अनरिजर्व, यानी कि यू आर, एस टी, ई बी सी, बी सी टू या ई डब्ल्यू एस है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा आर यू एक्स सर्विस मैन, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद पूछ रहा हैव यू सर्व इन होम गार्ड ऑफ 3 ईयर और एटलीस्ट 6 मंथ, यानी होम गार्ड में आप कम से कम 3 महीना या फिर 3 साल काम किए हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद ये स्पोर्ट कोटा, तो मैं भी इसको भी नो कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स मांग रहा है। तो इसमें आपको क्या मांग रहा है, बोर्ड का नाम, मंथ एंड ईयर पासिंग, रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। तो चलिए हम लोग यहाँ फटाफट भर लेते हैं। सबसे पहले मैं बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि जैक रांची, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। मंथ एंड ईयर पासिंग पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मंथ एंड ईयर, मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रिजल्ट स्टेटस, तो ये पास है, और रोल नंबर। उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है, तो अपने मार्कशीट के अनुसार, यानी कि 10th का जो मार्कशीट है उसके अनुसार आप यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका है एड्रेस, तो एड्रेस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में या फिर रेसिडेंशियल में जो होगा। अगर आपका क्रॉस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पूछ रहा है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसा मेरा कि दोनों एक ही है, तो मैं यहाँ सबसे पहले टिक कर देता हूँ। वार्ड नंबर 10, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है, वार्ड नंबर 10 कोटरमा, चलिए सही है, भेले सिटी टाउन कोटमा, जो आपका मेन एरिया होगा आप वहाँ का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पिन कोड डालिए। इतना सब करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिए अपना डिटेल्स, जो भी आपका डिटेल्स हो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। एडिट करने के लिए एक अलग से डेट खोला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं।
एडिट यानी करेक्शन करने का जो डेट दिया हुआ 26, 27, 28, 3 दिन का डेट मिल रहा है आप, तो आप इस डेट पे डिपेंड ना होकर आप यहाँ केयरफुली चेक करें और सबमिट करें अपना फॉर्म। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लिया हूँ अच्छे से। अब आपको यहाँ पे इसमें टिक आउट करना है और ये कैप्चा को फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ फिर से लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाला था, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने बोल रहा था वहाँ पे कि रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी आप यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए चूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके यहाँ पे प्रेफरेंसेस चूज करना है, तो मैं अपने अनुसार चूज कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस को चूज करने से पहले आप अपना वैकेंसी को देख लेंगे कि जो चूज कर रहे हो उसमें वैकेंसीज कितना है, उसके अनुसार ही आप चूज करेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी हमारे लिए अवेलेबल है, तो मैं फटाफट इसको चूज कर ले रहा हूँ। आप अपने सीट के अनुसार इसको चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप पूरे सिलेक्शन या प्रेफरेंस को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो आप सीधा यहाँ पे वैकेंसी सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखें आप यहाँ पे बिलिंग नेम पूछ रहा है, तो बिलिंग नेम आपको वही डालना जो आपका नाम हो। मैं यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है, तो आप एड्रेस भी डाल लेंगे। एड्रेस ज़रूरी नहीं है पूरा डिटेल्स में डालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, मैं यहाँ पिन कोड डाल लेता हूँ। उसके बाद स्टेट नेम पूछ रहा है, उसके बाद कंट्री यहाँ पे आपको डालना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे पुट कर लेना है और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो फिर से आपको ये लॉग आउट हो जाएगा और फिर से लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए हम लोग, पेमेंट यहाँ पे हो चुका है मेरा, मैं यहाँ फिर से लॉग इन कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद आप फिर से लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि फोटो का जो साइज होगा वो 50 KB के अंदर होगा और जो सिग्नेचर का साइज होगा वो 20 KB के अंदर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो और साइन को अपलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फोटो पहले से बना कर रखा है, अब यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। तो फोटो अपलोड हो गया, अब हम यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन भी अपलोड हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक दो विकल्प और मिल रहा है। पहला है आर यू ग्रेजुएट और डिप्लोमा फ्रॉम रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आर यू अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट फॉर असिस्टेंट पुलिस येस और नो, तो यहाँ पे मैं यहाँ नो करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा जिसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो पर्पस से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा। आप यहाँ पे अपना फाइनल सबमिट करेंगे और अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर ले लेंगे। तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी
सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।